हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको चावल के आटे का पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं एक कप चावल का आटा ली हूँ और एक लीटर पानी ली हूँ। अब मैं इसको घोल लूँगी। पूरे पानी को डालकर पूरा पतला घोल बना लूँगी। देखिए मेरा घोल अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच काला जीरा डालूंगी, एक छोटा चम्मच अजवाइन डालूंगी और एक छोटा चम्मच खाने वाला सोडा डालूंगी। अब इसे अच्छे तरह से चलाएंगे। इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह चला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको गैस पर रख देंगे और इसे लगातार बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये बैटर थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं चलाने से नीचे पकड़ लेगा, इसीलिए हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। देखिए किस तरह यह पकने लगा है, पूरा गाढ़ा हो चुका है। इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे। देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका पापड़ बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा घोल थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक कलछी के सहायता से पापड़ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, एक आकार में बनाना है। इसी तरह हम सारे बैटर को लेकर पापड़ बना लेंगे। देखिए हम सारे पापड़ को बना दिए हैं। अब हम इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पापड़ अब पूरी तरह सूख चुका है। अब हम इसे तलेंगे। देखिए कितना अच्छा कागज़ की तरह एकदम कुरकुरे सूख गए हैं पूरी अच्छी तरह से। अब हम इसे आपको तल कर दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं तलने गैस की ओर। हम अब कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब थोड़ा देर गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसे तलेंगे। देखिए कितने अच्छे पापड़ लग रहे हैं। एक बार इसे खाने के बाद आप बाज़ार का पापड़ भूल जाइएगा। देखिए कितने कुरकुरे लग रहे हैं, मुंह में जाने के बाद एकदम घुल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।